वरहमत लाही वबरकत हूँ। मेरा नाम है सैयद परवेज यमनी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस वीडियो के बारे में बातचीत करेंगे। आप लोग वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि एक 5-6 साल का बच्चा अपने वालिद के कंधे पर बैठा हुआ है और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। तवाफ के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह इतने बेहतरीन अंदाज में, इतनी प्यारे अंदाज में बच्चा अजान पढ़ रहा है खाने काबा के सामने। आजू बाजू जितने हुज्जाज इकराम थे, जो लोग तवाफ कर रहे थे, उन लोगों ने जब इतनी प्यारी आवाज बच्चे की सुनी तो लोगों ने उसकी वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और किसी हाजी साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर इसकी वीडियो को डाल दिया। अब देख सकते हैं कुछ लोग उसको नजराना भी दे रहे हैं। तो पहले वीडियो डालने के बाद कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किया कि ये पाकिस्तान का बच्चा है, किसी ने कहा ये बांग्लादेश का बच्चा है, किसी ने न जाने कितने कितने मुल्क के अलग अलग नाम रखे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब वीडियो देखे उसके बाद हम लोग आपको बताएंगे कि ये बच्चा कहाँ का है, उसका नाम क्या है और अल्हम्दुलिल्लाह इसके माँ बाप की तरबियत कैसी है। सबसे पहले हम लोग वीडियो देखते हैं और बच्चे की अजान को सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अजान सुनी कितनी बेहतरीन अंदाज में, दिल को सुकून मिल गया होगा। अगर आपको इस अजान पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर माशाल्लाह सुभानअल्लाह लिखे और इस बच्चे के लिए दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इसकी उम्र में, इसके इल्म में बरकत अता फरमाए और इससे तो ज्यादा इस बच्चे के माँ बाप के बारे में दुआ करें। हर माँ बाप को अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करनी चाहिए कि उसको अगर माँ बाप अच्छी तरबियत देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा दीन इस्लाम पर चलता हुआ नजर आएगा। तो जब कमेंट आप पढ़ेंगे इस वीडियो के नीचे जाकर सोशल मीडिया पर, तो कोई बांग्लादेश का बता रहा है, कोई पाकिस्तान का बता रहा है, मगर याद रखिए ये बच्चा न पाकिस्तान का है न बांग्लादेश का है, बल्कि ये बच्चा हमारे मुल्क हिंदुस्तान का है। ये बच्चा हमारे मुल्क हिंदुस्तान का है, इसका नाम है मोहम्मद यूसुफ। फिलहाल ये लोग सऊदी अरब के कैपिटल सिटी रियाद के अंदर रह रहे हैं, मगर ये हिंदुस्तान का बच्चा है और ये तमिलनाडु के अंदर रहने वाली फैमिली से। तो अल्हम्दुलिल्लाह जरा सोचो कि कितनी बेहतरीन अंदाज में, कितने प्यारे अंदाज में बच्चे ने अजान पढ़ी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करें कि लाल आलमीन हम सारे लोगों को सही तरीके से दीन इस्लाम पर चलने के लिए तौफीक अता फरमाए और हमें भी अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।